दोस्तों हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हुई है अभी, हाँ सॉरी मतलब मेरी गुड मॉर्निंग तो अभी हुई है, पर ये मॉर्निंग अच्छी रहे चाहता हूँ मैं भी, यही चाहता हूँ कि मॉर्निंग अच्छी रहे, क्योंकि ब्रश करने का एक्सपीरियंस, बॉडी का एक्सपीरियंस सुबह सुबह काफी अच्छा से गुजरा है। तो बताएं सबको भाई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, प्रथम भाई ने 8 मिनट गुजारे, 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा, 8 इसका काउंट है, 8 मेरा काउंट है भाई, पर हमारे हिसाब से तो 8 से ज्यादा, 15 मिनट नहीं भाई, वहां पे लाइन लगी हुई थी, हां अंदर तक तो गया नहीं, हम बाहर हम मेरे गाने दो तीन गाने सुने, एक गाने सुने, अच्छा होगा, तो हो सकता है कि मेरे को टाइम लग गया हो दोस्तों, पर तो पहले बताओ तो, देखो भाई यहां पे जैसे कि मैंने बताया था ड्राई पिट है, पानी वानी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है। प्रथम भाई हमारे गए थे, प्रखर भाई सबसे पहले गया, प्रखर भाई 1 मिनट के अंदर वापस आ गया, ऐसे सब अपना काम खत्म फट फट खत्म करके, प्रथम भाई गए बड़ा 15-15 मिनट बस एकदम वहां पे चिल करके बैठे। अब प्रथम भाई का वो चिल प्लेस है, चिल प्लेस नहीं है दोस्तों, बाहर बहुत ठंडी लगे, नहीं नहीं तो गर्मी लेने बात कर रहे हैं, चिल प्लेस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, वो मेरे को आदत है तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ा, अभी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है तो इन लोगों को ठक जॉग करके आ जाओ। मैं तो नहीं गया हूँ अभी तक, और मेरा कोई प्लानिंग भी नहीं जाने का कल तक, है नहीं गया अभी तक, मैं भाई एकदम हिसाब से खा रहा हूँ, कम से कम खाना सिर्फ वेजेस खाना, की मुझे आए ना आए ना, कल मैंने नॉनवेज भी नहीं खाया भाई, प्रोटीन को छोड़ा है मैंने, पर तू अब देखना अभी जी प्रथम की डाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको जगह पसंद आ पसंद आ गई जगह मेरे को, दूसरा खाएगा उतना टाइम और स्पेंड कर सकते हैं, दोस्तों को जगह पसंद आ गई तो मैं स्पेंड कर सकता हूं। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे, ओ ओ ओ इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, तो डे 4 स्पीति वाली ट्रिप, और आज के दिन की शुरुआत हुई है हमारी चिचम ब्रिज से, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे अभी -9 है -10 है, काफ़ी ठंड है, लेकिन इतना सब कुछ पहनने के बाद और इतना जोश होने के बाद कहाँ ठंड लगती है। अभी दो काम है, एक ग्रुप फोटो लेनी है और आगे बढ़ना है, आगे के नज़ारे भी तो दिखाने हैं आपको, चलो चलते हैं। दोस्तों गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रथम खेमका, हमारा साथ देते हुए प्रखर जैन कैमरा मैन, और आप बताइए अभी आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे आके। देखो गाइस बात यह है कि ये फिटनेस व्लॉग्स नहीं रहे, ये पारंपरिक व्लॉग्स बन गए, ये हमारा डेली अपडेट हो गया है हमारे पेरेंट्स के लिए, बस कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस इसलिए व्लॉग्स बन रहे हैं अभी। तो अभी ये बोलना चाहते हैं कि इनका कलेसनी वाले भैया अभी थोड़ा सा चेंज हो गए, चेंज हो चुका है, फैमिली वाले अभी फैमिली व्लॉग्स चल रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं अभिजीत सब सबके लिए, बता रहे हैं कि स्पीति में एक्चुअल क्या होता है क्या नहीं होता है। आपका आज का कैसे रहा, आपने आज क्या पॉटी किया? नहीं किया, यही बताने वाला था यार, नहीं किया और नहीं करूँगा दो दिन और। क्यों नहीं करोगे, क्या दिक्कत आपको पॉटी करने में? नहीं होगा। क्यों? क्यों मतलब कि पानी नहीं आ रहा है। और प्रथम ने वहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया है, इनसे पूछो आप क्या बता रहे हो, आप हमें टिप्स दो। गाइस आई एम मल्टीटास्किंग, मैं कैमरामैन भी और संचालक भी हूँ, बताओ मेरे को ऐसा कोई दिक्कत वाली बात लगी नहीं। आपने पूरे 15 मिनट स्पेंड किए वहाँ पे, हाँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे 15 मिनट में, मतलब आपको कैसा लगा वहाँ पे? फेवरेट प्लेस है इंडिया और क्या इसमें? ऐसे कैसे कुछ खराब नहीं है, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा जहाँ जाओगे, अब जहाँ जैसे वैसे रहना पड़ेगा दोस्तों, तो प्लीज कोऑपरेट करें, रखें करेज, तभी हो पाएगा कुछ भी। जरूरत नहीं है, तुम रह रहे हो। वी आर एट 13,000 फीट हाइट, एक्चुअली हमें जाना है 15,000 फीट पे, लेकिन अगर एकदम से हम 15,000 फीट चले जाएंगे तो डिजनेस एंड ये सब प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसलिए आज हम 13,000 फीट पे थोड़ा घूमेंगे, एंड कल मेन स्पॉट जो है हमारा 15,000 फीट पे जाएंगे। एक चीज़ है यहाँ पे, सांस फूलती है, लाइक अगर हम ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं तो काफ़ी सांस लेनी पड़ती है। एक दिक्कत भी है दोस्तों, यहाँ कम खाओ तो लगता है कि कुछ खाया नहीं, ज़्यादा खाओ तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खा लिया, तो बस लाइट खाना और ट्राई करेंगे, तो ड्राई फ्रूट्स लेके आए। ठीक है, तो हार्दिक भाई कैसे हो आप? भाई एकदम बढ़िया, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब हम जाएंगे की मॉनेस्ट्री, वो काजा की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। इतने 1000 फीट, हम 13,000 फीट हाइट पर आए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं अभी तो नहीं हो रही है। दोस्तों बताओ, एक आश्चर्य की बात यह है, हम लोग को -6 -7 हम लोग को अब नॉर्मल लगने लग गया है, लगता है गर्म लग रहा है भाई, स्वेटर खोल दे भाई। एग्जैक्टली -6 -7 लग रहा है, न्यू नॉर्मल। और आज सुबह -14 हुआ था, तब मैं ब्रश करने निकला था, प्रखर मुझे बोलते हैं भाई अभी -14 चल रहे हैं, बोला क्या शान बैठ झूठ मत बोल,
ऐसा भाई कुछ लग ही नहीं रहा है। अभी भी सी, अभी भी देखो माइनस फाइव के आसपास है, फिर भी ठीक है, कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। तो वापस मुंबई जाके मजा आएगी भाई, मुंबई में जब 25-30 पे रहेंगे ना, कैसे कपड़े कैसे पहनने, हाँ भाई मजा आएगी, मजा आएगी। थकावट हो रही है, ट्रैक करके आए हम लोग 13,000 फीट की हाइट पे। तो कैसा है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है हर छोटे छोटे टास्क के लिए, बट द व्यू इज मैजिकल। लेट मी शो यू इन 3, 2, 1 एंड गो। So that is the key monastery जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। हाँ रुकना एक सेकंड। Look how beautiful it is। तो अभी हम लोग जा रहे हैं key monastery की तरफ, बहुत बड़ी चढ़ान है ये भी, थक रहे हैं सब लोग, सांस ज़्यादा लेना पड़ रहा है इस वजह से। आप क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि मैं एक बार विजिट करके आ चुका हूँ और ऐसे बहुत अच्छी जगह, पर यार चढ़ना डबल रबल हो जाएगा मेरा वापस से। अच्छा तो हम लोग फाइनली की मोनेस्ट्री के एंट्रेंस के पास पहुंच चुके, एंटर कर लिए। दिस हाउ इट लुक्स, फुल बर्फ। चलो अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखो पूरा बर्फ यहाँ पे जमा हुआ है पूरा एंट्रेंस पे ही, एंड ये और ऊपर चढ़ना है थोड़ा सा। चलो चलते हैं। तो अभी हम की मोनेस्ट्री से वापस जा रहे हैं, बट की मोनेस्ट्री में आना और जाना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सब लोग हमें बोल रहे थे कि वहाँ पे जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, रुकना पड़ेगा ऐसा, तो वहाँ से वापस आने का मन नहीं होगा। हमें लग रहा था नहीं यार बोर हो रहा है यहाँ पे, हर मोनेस्ट्री क्या देखेंगे, थोड़ा आइस की जगह पे लेके जाओ, मस्ती करना है। बट जैसे हम यहाँ पे अंदर गए थे, वाह, वापस आने का लिटरली मन नहीं हुआ। बहुत शांत, बहुत काम, बहुत अच्छा लगा। आई कैन लिटरली से कि हमने जितने भी अभी तक नज़ारे देखे, इट इज़ इक्वल टू दैट। वहाँ पे एक मॉन्ग थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, लेकिन हमने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। मेरे मन में तो बहुत सारे क्यूरियस टाइप क्वेश्चंस थे उनसे पूछने के लिए, तो मैंने सो सीधा पूछा उनका रूटीन क्या होता है, मॉन्ग्स क्या करते हैं दिन भर, उन मतलब कैसा होता है उनका एक लाइफ स्टाइल। मैं उनके आंसर्स जान के ना मैं हिल गया एक्चुअली। उन्होंने कहा कि मॉन्ग्स का कोई डेली रूटीन नहीं होता है, उनका जो मर्जी होता है वो लोग करते हैं। मुझे अभी तक लगता था उनका एक परफेक्ट रूटीन होता है, दे आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन, होता होगा आई डोंट नो, पर उन्होंने ऐसा कहा। पर उन्होंने एक चीज़ कहा कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो मॉन्ग बन रहे, दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट एंड फिक्स्ड रूटीन। मैं आपको उनका रूटीन बताता हूँ। सुबह 6 बजे वो लोग उठते हैं, 8 बजे तक उनकी पढ़ाई होती है, 8 से 10 उनकी प्रेयर और ब्रेकफास्ट होता है, और फिर 10 से 4 कंटिन्यूस उनकी पढ़ाई होती है। बट वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन 10 से 4 बजे के बीच में 1 घंटा होता है उनका लंच और 1 घंटा होता है उनका गेम्स, यानी कि वो वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलते हैं एवरी डे। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये सब कब सीखेगा? उनके स्टडी प्रोग्राम में उन्हें पता है कि एक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो दैट इज़ नॉट इनफ, डेली एक फिटनेस एक्टिविटी कम से कम 1 घंटा रोज़ होनी चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाहिए है ना। कब सीखेंगे यार, कब आएगा ये चीज़, कब आएगा ये चेंज? हर किसी को थोड़ी पढ़ना है, हर किसी को थोड़ी हर चीज़ रट्टा मारना है। जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी एजुकेशन सिस्टम में, तब तक बात नहीं बनेगी। दे नो दिस थिंग, इसलिए दे डू दैट। अगर एक चीज़ मुझे एजुकेशन सिस्टम में बदलनी है तो वो यही चीज़ है कि मुझे डाइवर्सिफाई करना है। लाइक अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मछली को भी झाड़ पे चढ़ा रहे हैं तो है ही, हर किसी को थोड़ी झाड़ पे चढ़ना है, किसी को तैरना भी तो है। चलो ज़्यादा ज्ञान हो रहा है, चलो दैट्स इट, की मोनेस्ट्री घूम लिया, अभी तो वापस अपने रूम पे जाना है, एडिट वगैरह करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा। और भैया प्रेशर इतना था कि नहीं रोक पाए, हो गया, कर दिए, अच्छा एक्सपीरियंस था।